में फिरोजाबाद से रिश्तेदारी में शामिल होकर आ रहे एक बाइक सवार को उसके ही सगे ताऊ और उसकी लड़की ने गोली मार दी। गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हुए बाइक सवार युवक को राहगीरों की सूचना पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। गोलियां लगी हैं। राजाखेड़ा थाने के सब इंस्पेक्टर मानसिंह ने बताया कि 5 महीने पहले 27 अक्टूबर को राजाखेड़ा के देवदास कापुरा गाँव में बिजली का खंभा लगाने को लेकर 2 सगे भाई राजाराम और अजब सिंह में झगड़ा हो गया था। जिस झगड़े में राजाराम और उसके बेटों ने अजब सिंह के बड़े बेटे गंगाराम की लाठी और कुल्हाड़ी से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। जिस मामले में राजाराम और उसके दोनों बेटों के साथ 2 महिलाओं को हत्या के मामले में जेल भेज दिया गया, जबकि मामले में 2 लोग फरार चल रहे थे। 5 दिन पूर्व राजाराम हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आ गया। बीती शाम को 5 माह पूर्व झगड़े में मृतक हुए युवक गंगाराम का छोटा भाई रामहरि अपनी रिश्तेदारी में शामिल होकर फिरोजाबाद से बाइक से गाँव आ रहा था, तभी राजाखेड़ा पुल के पास कार से आए ताऊ और उसके बेटे ने रामहरि में गोलियां मार दी, जिससे रामहरि घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को धौलपुर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। घायल की गंभीर स्थिति को देखकर उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। पहले हमारा कोई विवाद नहीं था राजाराम से, इनने ट्रांसफार्मर लेके आए थे तो इनने भैया मेरा ड्यूटी पे जा रहा था गंगाराम, तो इनने बीच रास्ता उनको मर्डर कर दिया था। राजाराम, रमाकांत, गोवर्धन, उमा शंकर और त्रिवेणी प्रियंका जितनी लोग और रामोतार, इनने बीच रास्ता पे आम रास्ता पर उन्हें वहाँ पर घेर लिया, उनका वहाँ पर स्वयं मर्डर कर दिया 27 अक्टूबर 2021 में। अब वो राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहे हैं कि राजीनामा कर लो उन्हें किसी और को मारेंगे। जी भैया वहाँ पर फिरोजाबाद गए थे किसी काम से, तो ये वहाँ से पीछे से लगे चले आए हैं। इनने आके यहाँ पे राजाखेड़ा की सीमा पार करते हुए जैसे शमशाबाद से पहले ही है राजाखेड़ा से 5 किलोमीटर वहीं पर इनको पुल के पास में ताम रमाकांत बता रहे हैं और राजाराम, उनमें ताम 3-4 लोग और गाड़ी में अंदर बता रहे थे डाटा मारे थे उनकी, उन्हें पता नहीं है इतने लोग गोली मार के पता नहीं, ये तो बता रहे कि एक में आवाज़ सुनी है, फिर तो इन्हें कोई घुस नहीं रहा है। उसके बाद फिर पता नहीं एक परी है का 4 परी, उन्हें कोई घुस नहीं, चार है, चार लेगा।